तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इन तीनों बैटरी को चार्ज करेंगे और इन तीनों बैटरी को वायर कनेक्शन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपके पास ब्लूटूथ नेकबैंड का बैटरी है। आप देख सकते हैं 160 mAh और 3.8 वोल्ट का एक ब्लूटूथ नेक। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं, और मेरा लिथियम आयन सेल है 2200 mAh का, तो इसको भी हम चार्ज करेंगे। तो और फ्रेंड, और एक सेल है, तो फ्रेंड ये देख सकते हैं, तो फ्रेंड देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये एक TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल है। तो फ्रेंड, इसी मॉड्यूल से आप इसी प्रकार का कोई भी बैटरी आप चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इसी प्रकार का कोई भी बैटरी को आप इस TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल से चार्ज कर सकते हैं। फ्रेंड TP4056 अगर आप इस लिथियम सेल इसी प्रकार के चार्ज करेंगे तो ये अच्छे से चार्ज हो जाएगा। ये लिथियम सेल अगर आप इससे चार्ज करेंगे तो अच्छे से चार्ज हो जाएगा और प्रोटेक्शन के साथ ये बैटरी चार्ज हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको वायरिंग करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इसी प्रकार है ये। मैंने एक पीस ले लिया है TP4056 का। तो आपको यहाँ पे B+ और B- में आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आप ब्ली इसको वायर कनेक्शन कर देता हूँ। तो फ्रेंड चलिए, मैं अभी इसको वायर कनेक्शन आपके सामने करता हूँ। फ्रेंड देख सकते हैं, मैंने अभी बैटरी का माइनस प्लस कनेक्ट कर दिया है इस TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल में। तो फ्रेंड मैं इसका प्लस कनेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा सोल्डिंग वायर लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी अभी देख सकते हैं, मैं अभी इसका पॉजिटिव कनेक्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैंने इस TP4056 में बैटरी कनेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरह का एक 5 वोल्ट का अडाप्टर लेना है। फ्रेंड देख सकते हैं, मैं लगाने के बाद ये चार्ज होने लगेगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं, एक रेड कलर का LED जल रहा है और ये बैटरी अच्छे से चार्ज हो रहा है। तो फ्रेंड देख सकते हैं, फ्रेंड देख सकते हैं, अच्छे से बैटरी चार्ज हो रहा है। जब चार्ज हो जाएगा बैटरी तो यहाँ पे एक ब्लू कलर का LED जलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसे डीसोल्डिंग करके आपको दूसरे और एक बैटरी कनेक्ट करके दिखाता हूँ, वो कैसे चार्ज होगा इससे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इस बैटरी को डीसोल्डिंग कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी हम इस 2200 mAh बैटरी को इससे कनेक्ट करके चार्ज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बैटरी कनेक्शन बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे बैटरी प्लस और माइनस को कनेक्ट करना है। तो फिर से मैं कनेक्ट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैंने बैटरी का माइनस कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे B+ पे मैंने बैटरी का प्लस भी कनेक्ट कर दिया है। फ्रेंड देख सकते हैं, फ्रेंड देख सकते हैं, इस प्रकार का है इसका कनेक्शन। तो फ्रेंड चलिए, मैं इसे चार्ज करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, मैं चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ। फ्रेंड देख सकते हैं, एक रेड कलर का लाइट जल रहा है। तो फ्रेंड, ये बैटरी अच्छे से अब चार्ज होने लगा है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप कोई भी लिथियम आयन सेल को और हेडफोन में भी जो बैटरी लगा होता है, तो फ्रेंड आप इसी प्रकार से आप उसको चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको बस इसी तरह का एक TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल चाहिए है, फिर आप किसी भी तरह का एक लिथियम सेल और कोई भी सेल आप चार्ज कर सकते हैं।